हे गाइस, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि लैब्राडोर को कैसे आइडेंटिफाई करें कि वो प्योर डॉग ब्रीड है कि नहीं, तो वैसे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइबेरियन हस्की के बारे में। बहुत सारे लोग इंडिया में इसे बाय भी करते हैं और काफ़ी अच्छा डॉग ब्रीड है, तो उसे आइडेंटिफाई करने का तरीका आपको जानना ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अच्छे खासे आप पेमेंट भी देते हो, पैसे देते हो, बट सामने वाला ब्रीडर या डॉग शॉप वाला आपके साथ फ्रॉड करके आपको एक मिक्स डॉग ब्रीड दे सकता है। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखना। न्यू है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक शेयर करके हमें ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्राइस की आपको थोड़ी बहुत जानकारी देता हूँ, जिसके कारण आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जैसे कि साइबेरियन हस्की की प्राइस कभी भी फिक्स नहीं होती, ध्यान रखना। उसकी प्राइस डिपेंड करता है क्वालिटी पे और ख़ास करके जो मार्किंग और कलर पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होती है। कि कभी कभी फेस पे आपने देखा होगा त्रिशूल आकार का जो आपको मार्क देखने को मिलता है, बॉडी पे लाइन अच्छे खासे देखने को मिलती है, कलर आपको देखने को अच्छा मिलता है, और ख़ास करके उनके जो आई कलर यानी आँखों का कलर होता है अगर डिफरेंट डिफरेंट है तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ जाता है। और ब्लू कलर का अगर आप लेने जाते हो तो उसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। इसलिए कभी भी आप लेते टाइम इसका ज़रूर से बार्गिंग कीजिएगा। आप देखिएगा कि मार्क्स कितने हैं, बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, और उसके बाल और ख़ास करके जो कलर है वो कैसा है, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होता है। तो आइडेंटिफाई करने का सबसे पहला तरीका है उनके कान। उनके आपको कान काफ़ी ज़्यादा अच्छे से नोटिस कर लेने के, उनके जो कान होते हैं त्रिकोण आकार के होते हैं और थोड़े से छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे और थोड़े बहुत आपको मोटे साइज़ के देखने को मिलेंगे, और ऊँचे और सेट यानी मतलब पूरी तरह से खड़े होंगे। तो उस तरह से आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभार कोई कोई जो मिक्स साइबेरियन हस्की होता है उसके कान नीचे लैब्राडोर की तरह होते हैं, बट वैसे नहीं होने चाहिए, वो स्ट्रेट और खड़े होने चाहिए और थोड़े बहुत त्रिकोणीय आकार के आपको देखने चाहिए। हाँ, अगर पपी अगर एज में आप ले रहे हो तो थोड़ा बहुत डाउन आपको देख सकते हैं, बट इतना भी ज़्यादा डाउन नहीं होना चाहिए। तो जो सेकेंड पॉइंट आता है वो कलर का। कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा साइबेरियन हस्की में देखे जाते हैं, इसलिए बहुत सारे जो न्यू डॉग ओनर होते हैं या फिर जो एक्सपीरियंस वाले डॉग ओनर होते हैं वो भी कभी कभार कन्फ्यूजन हो जाते हैं उनको कि ये साइबेरियन हस्की ओरिजिनल है या नहीं है। तो ऐसे में आप एक पॉइंट कर सकते हैं कि उसके मदर फादर को ज़रूर से चेक कर सकते हैं। अगर आप फादर को चेक नहीं कर पाते तो बट एटलीस्ट उसके मदर को ज़रूर से चेक कीजिएगा कि वो ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि उसका कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके साथ साथ आँखों का जो कलर होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है उसके मदर फादर के ऊपर जाता है, तो वो भी आपको ज़रूर से आप वहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो मदर फादर का कलर है उस हिसाब से इसका कलर है कि नहीं, और उसमें भी आपको ओरिजिनल जो है कि नहीं वो भी आपको पता चल जाएगा। तो जो नेक्स्ट आइडेंटिफाई करने का तरीका है वो है उनकी पूंछ। उनकी पूंछ आपको देखा होगा कि लोमड़ी की तरह उनकी पूंछ होती है, आप एकदम कर्ड या फिर ऊपर की तरह पे मुड़ी हुई नहीं होती, उनकी नीचे झुकी हुई होती है और पीछे से थोड़ी बहुत चिपकी हुई होती है। अगर ऐसे में अगर मुड़ी हुई आपको आ रही है तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा कि वो प्योर ब्रीड है या नहीं। अगर आप विथ पेपर ले रहे हो, अच्छा खासा पैसा दे रहे हो और सामने वाला आपको विथ पेपर दे रहा है, तो पेपर भी कम्प्लीटली चेक कीजिएगा। क्योंकि कभी कभार कोई कोई डॉग ब्रीडर या डॉग सेलर क्या करते हैं कि फ्रॉड पेपर वर्क करके आपको दे देते हैं और हाई प्राइस ले लेते हैं, तो वो आपको ज़रूर से चेक करना है। और कभी कभी जैसे खेलने के मूड में या डॉग खुश हो या फिर वो मस्ती कर रहा हो तो ऐसे टाइम पर डॉग की पूंछ ऊपर हो सकती है, बट नॉर्मल नीचे हुई झुकी हुई आपको देखने को मिल सकती है। अगर आप हैवी बोन वाला साइबेरियन हस्की लेने की सोच रहे हो या फिर अच्छा खासा तगड़ा, अच्छा खासे पैसे भी आप दे रहे हो और एक अच्छे क्वालिटी का लेने की सोच रहे हो, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? तो ऐसे में आप उसके पंजे देख सकते हो। पंजे उसके मोटे होते हैं, तगड़े होते हैं और काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, और नीचे के साइड से भी आपको पंजे मोटे और उसके ऊपर बाल आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। और उसी में आपको जो है मार्किंग ज़रूर से देखनी है कि मार्किंग किस तरह से है डॉग की, क्योंकि आप प्राइस दे रहे हो, हैवी बोन ले रहे हो, तो आपको मार्किंग भी उसी तरह से मिलनी चाहिए, त्रिशूल आकार की होनी चाहिए। उसके जैसे कि आँखों का कलर अगर आपको ब्लू चाहिए तो ब्लू होना चाहिए, कभी कभार ब्लू और ब्लैक भी देखने को मिलता है या पूरा ब्लैक भी आपको देखने को मिलता है। अगर आप उस तरह से पैसे दे रहे हो तो उस तरह से आपको क्वालिटी भी ज़रूर से चेक करनी चाहिए। और हाँ गाइस, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइबेरियन हस्की को जो है गर्मी में आप नहीं रख सकते, एसी चाहिए, तो ऐसी सारी बात जो है सच नहीं है। क्योंकि अगर आप एक डबल कोट का अगर जर्मन शेफर्ड ले रहे हो तो उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, जितनी प्रॉब्लम आपको जो है साइबेरियन हस्की में देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि डबल कोट का जो अगर जर्मन शेफर्ड ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ सकती है। तो ऐसे नॉर्मल अगर आपके घर में कूलर हो गया, एसी अगर वगैरह है, तो गर्मी के टाइम पर आप उसको थोड़ा बहुत आपको देखभाल या फिर डाइट में अच्छे से आपको केयर करनी पड़ सकती है। बाकी आपके लिए साइबेरियन हस्की काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे लोग इंडिया में अच्छे से रखते हैं, बट ध्यान रखना है आपकी अपने नीड के हिसाब से लीजिएगा, आपको जैसा चाहिए उस हिसाब से लीजिएगा। ऐसा नहीं कि दिखावे के चक्कर में या फिर किसी को बताना है उसके स्टेटस के लिए हम ले रहे हैं, क्योंकि साइबेरियन हस्की के ऊपर पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है।
तो गाइस जो नेक्स्ट तरीका आइडेंटिफाई करने का वो है उनकी बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आप देख सकते हैं, इस तरह से फोटो में आपको दिख रहा है, इस तरह से पोजीशन उनकी होनी चाहिए। पपी एज में आपको थोड़ा बहुत नीचे से झुका हुआ, आपको पीछे से थोड़ा बहुत झुका हुआ देखने को मिल सकता है। और कभी भी आप लेते हो तो एक पपी मत देखिएगा, कम से कम 2 से 3 पपी देखिएगा। कौन सा एक्टिव है, कौन सा आपके साथ अच्छे से सोशलाइज कर रहा है, आपके बोलने पर अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर रहा है और अच्छा खासा देखने को या फिर आपको जो बोल रहे चलने में अच्छा खासा लग रहा है, तो वो आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको हमेशा एक दिखना है कि उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, जैसे कि आई प्रॉब्लम हो गया, स्किन इन्फेक्शन हो गया, या फिर कुछ मदर को कुछ और डिजीज तो नहीं है, ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है। या फिर फादर को भी उसका कुछ डिजीज नहीं है, वो आप एक बार ज़रूर से चेक कीजिएगा। हालांकि कोई बताता तो नहीं है अंदरून का, बट बाहर से अगर आपको कुछ दिखता है तो आप ज़रूर से उसको चेक ज़रूर करिएगा, क्योंकि वो कुछ DNA आपके जो है पपीज़ के अंदर आता है, तो आगे जाके वो प्रॉब्लम भी जो 80% आप बोल सकते हैं कि आपके पपी को भी वो प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ज़रूर से चेक कीजिएगा। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही था। आशा करता हूँ आपको साइबर नस्की के ऊपर ये बनाई वीडियो ज़रूर से अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।